कुमार राज दोनों थाई पे के कॉर्नर से बहुत बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या सन्नू की जरूरत थी इसके समय? सतीश कुमार गोयनन का कैच पूरा होगा क्या? भूपेंद्र सर जी तिरैया वाले और राम कुमार मरावी जी साथ ही हमारे सीनियर ऐसे मैच चल रहा है बगधरी डांड ऐसे बगधरी अलगी डांड वर्सेस गेम चेंजर बक्साई के बीच में चल रहा मैच तो खतरनाक होगा मैच देखने को मिलेगा। हमारे भी एक तरफ भाई रविंद्र यादव और एक तरफ अभी सन्नू मैच बहुत खतरनाक होगा। टीम है वही गेम चेंजर बक्साई दोनों ही और गेम चेंजर बक्साई की ओर से भूपेंद्र कुमार अच्छे रेडर हैं, अच्छे रेड का मुआयना करते हैं और अपने राइट कॉर्नर पर राइट कॉर्नर के लिए कोर्स छकाना चाह रहे थे। राइट कॉर्नर के साथ ही एक जबरदस्त खेल का प्रदर्शन और क्या यहां पास कितने अंक बनेगा गिनती किया जाएगा ऑफिशियली गिनती किया जाएगा। हाउ मेनी पॉइंट भाई 2 पॉइंट के साथ आसमानी इशारा के साथ ही अलगी डांड की ओर से दीपक बहुत जबरदस्त खेल खेलते हैं बोनस करने में माहिर हैं प्रयास कर रहे हैं कभी अच्छे खेल प्रदर्शन करते हैं और अच्छे खेल प्रदर्शन के साथ ही अलगी डांड की ओर से एम्प्टी रेड। अब चले गेम चेंजर बक्सा ही यही गेम चेंज कर सकते हैं और गेम चेंज करने के साथ ही उनकी टीम बढ़त बना चुकी है अपने पहले रेड पर जो आया था अलगी डांड की ओर से। सतीश चले सतीश भी काफी अच्छे खेल प्रदर्शन करते हैं। सतीश क्या बोनस पर गए थे बोनस पर जाने के साथ ही का क्या उन्होंने अंक बनाया अंक मना और उन्होंने भाई बोनस किया बोनस के साथ अंक किया लेकिन फिर ही अब गेम चेंजर 3 पॉइंट बक्सा ही कोर से रविंद्र यादव 3 नंबर जर्सी पर काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन इन्हीं के बदौलत आज हमारे क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन इनकी टीम अभी भी अंकों के बढ़त पर आगे है 3-1 की ये स्थिति। दीपक चले दीपक जानते हैं कहां से अंक बनाना है दीपक की टीम अभी तक पिछड़ी हुई है लेकिन दीपक चाह रही डू और डाई पर संभवतः लेकिन नाम पर चलता है क्या डू और डाई सफलता होता है सफल होता हुआ अंक मिला रविंद्र यादव को और रविंद्र यादव के अंक के साथ ही उनके अंक जा पहुंचा 4 पर गेम वही 4.1 पर है अभी तक दीपक प्रयास कर रहे थे लेकिन इस बार सफलता मिला दीपक को सफलता के साथ ही अंक मिला दीपक को ऑफिशियल रविंद्र यादव वही दूसरे तरफ दीपक चले रविंद्र यादव काफी जबरदस्त गेम चेंजर बक्साई 4 और गेम जहां चेंज करते हैं जैसा ही नेम उनकी टीम का वैसे ही गेम चेंज चलने का इनका लेकिन इस बार सफलता मिला यहाँ पास अलगी डांड को अंक मिला अलगी डांड को दीपक काफी जबरदस्त खेल प्रदर्शन करते हैं अभी 5 खिलाड़ी हैं इनके पास बोनस का तो मौका नहीं है लेकिन प्रयास करेंगे प्रयास के साथ ही काफी जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर दीपक का काफी जबरदस्त काफी चौका ने वही पास बिग गेम चेंजर बक्सा ही यहाँ पर टाइम से पहले हाफ के लिए 3-4 की स्थिति
अब चले भूपेंद्र काफी जबरदस्त खेल प्रदर्शन करते हैं। अभी इनकी टीम एक अंकों की आगे पर पा रही है। लेकिन दोनों ही टीम काफी चौकन्ने चौकन्ने के साथ दीपक प्रहार पर दीपक हमेशा प्रहार पर रहते हैं और दीपक चाहेंगे जो अंकों के बढ़त इनके पास हो अंक बना चाहेंगे। लेकिन दीपक का प्रयास और दीपक काफी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते रहे अच्छे खेल का प्रदर्शन के साथ ही पांच खिलाड़ियों के मध्य में अब पांच खिलाड़ियों के मध्य में अंक बनाना दीपक को संभव लग रहा है। और जहाँ टाइमर चालू होता है दीपक का दिमाग भी काम करना चालू होता है। लेकिन दोनों ही टीम जहाँ तक डू आर्ट खेलना चाह रही है डू आर्ट स्टेडियम के साथ ही यहाँ पर घेरा भरा साथियों का सहयोग के साथ यहाँ पर अंक मिला गेम चेंजर बक्साही को। भूपेंद्र को डू आर डाई सर्विस चार गेट को इनको निपटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों थाई पर पकड़ बनाया गया दोनों थाई पर पकड़ बनने के साथ अंक मिला। इस तरह चार और पांच की स्थिति एक छत पर वही फिर चले दीपक का प्रयास सफल हो रहा है। वही जो बेंच पर बैठे हैं रविंद्र यादव उनको बेंच से बाहर लाना होगा गेम चेंजर बक्साही को ताकि उनके जो टीम पिछड़ नहीं आगे भी है एक अंकों के अभी बढ़त बना है उनका चार और एक की स्थिति है बढ़त बना है उनके पास। लेकिन उनको बेंच से बाहर लाना होगा। लेकिन जब संभवतः फिर चले दीपक हमेशा प्रयास कर रहे हैं जो अंकों के बढ़त एक अंकों के हैं उसको कम करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 10 नंबर जैसे लेकिन क्या है फिंगर टच हुआ है बहुत जबरदस्त सर्विस और अंक मिला। इस तरह दोनों ही टीम अब बराबरी पर पहुंच चुकी है बराबरी के साथ ही अब चले काफी जबरदस्त सर्विस करते हैं अभी और सर्विस के साथ ही जहां संभवतः दो अढ़ाई सर्विस पर जाना चाह रहे हैं दोनों ही टीम जानते हैं कि दोनों ही टीम बराबर की स्थिति पर है पांच और पांच की स्थिति पर दोनों ही टीम और दोनों ही टीम चाहेगी कि जो अंक की जो बराबरी है उसको बढ़त बनाना चाहेगी। थर्ड सर्विस के साथ जो अंकों की जो बराबरी है उसको कम करना चाहेगी दोनों ही टीम साथ ही साथ ही अंक मिला। और अब वापसी हुआ रविंद्र यादव का और टाइम आउट लिया गया है गेम चेंजर अपने खिलाड़ी रविंद्र यादव को भी पा रही है अपने साथ में। अब चले क्या यहाँ पास अंक मिलेगा अंक मिला तो वो भी अंगीदार को बहुत सुंदर। अब चले रविंद्र यादव क्या बस प्रयास हुआ है प्रयास के साथ ही क्या सफलता पाएंगे अपने आप को सफलता पाने के साथ ही साथ अपने आप को क्या सुरक्षित अपने खेमे पर और खेमे के साथ ही और अंक बना बोनस के सहारे वीर शिवाजी दल बारहमुला विरोध टर्निंग पॉइंट पाली। फर्स्ट कॉल वीर शिवाजी कबड्डी दल बारहमुला विरोध टर्निंग पॉइंट पाली। इस मुकाबले के बाद आपको मैदान लेना है आप अपने खिलाड़ी वेशभूषा में सुसज्जित हो जाओ।
जहां पास पार ये 6-7 की स्थिति, दोनों ही टीम एक तरफ से एक एक अंक पर अभी अपने आप को कम पा रही है। यहां पास अलगीदान अब यहां पास अंकों के बढ़त हो रही है, तो वो है गेम चेंजर बक्सा ही के पास। वही बंदरी लायंस जहां चल रही है, अच्छे रेट किए थे पिछले रेट पर, 2 अंक जुटाए थे अपने टीम के लिए और 2 अंक वो साथ ही अच्छे रेट कर सतीश गए थे, लेकिन सतीश इस बार बिना अंकों के वापस, लेकिन भरोसा जताया इस बार रविंद्र ने भरोसा जताया है इस खिलाड़ी के ऊपर, उनकी टीम 2 अंकों के बढ़त बनाए हुआ है और भरोसा जताने के साथ ही साथ योगेंद्र के ऊपर भरोसा जताया, और भरोसा जताने के बाद योगेंद्र भी ने उनका भरोसा। और इस दूसरे हाफ का खेल और पहला रेड ले रहा है इस समय बगदरी अलगीडान लायंस, जहां उनकी टीम 2 अंक से पीछे चल रही है पहले हाफ के 10 मिनट की खेल में। और दूसरे हाफ में रविंद्र यादव जो कि गेम चेंजर बक्साही के मुख्य हथियार है और काफी तजुर्बा उनके पास, लेकिन इस समय दीपक कुमार राज रेड पर नंबर 10 की जर्सी के साथ 5 खिलाड़ी उनके सामने, बोनस ऑफ है, एक बार कॉर्नर पे पीछे धकेला कॉर्नर के खिलाड़ी ओम प्रकाश को, और हालांकि वो एक डॉज देने की कोशिश थी। योगेंद्र निकल रहे रेड पर, टीम के पास 2 अंकों की लीड है, 18 नंबर की वो जर्सी योगेंद्र के लिए, गेम चेंजर बक्सा ही जैसा नाम है। और ठीक उसी तरह से करिश्मा उन्होंने गत संस्करण में पहला संस्करण में करके दिखाया था, गेम को पूरी तरह से चेंज किया और रनअप रही वो दूसरे स्थान पर रही पहले संस्करण में 12 रानी की रजहरिया की सरजमी पर, और यहाँ पर इस मुकाबले में 2 अंकों की लीड पर है। दीपक कुमार के ऊपर निगाह है एक छोर से, मेरे साथ भूपेंद्र राज लगातार जुड़े रहेंगे लाइव कमेंट्री के लिए, दूसरी छोर पर रविंद्र कुमार यादव की वो तजुर्बा जिस तरह से अनुभव है, कोरबा की शान बानशान और नेशनल प्लेयर है, लगातार 5 या 6 दफा उन्होंने नेशनल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। और अभी यहां देखिए 2 खिलाड़ी गए क्या, ये बहुत बड़ी चूक हो सकती है, लेकिन अभी भी जब तक रविंद्र कुमार इसी बीच टाइम आउट का बुलावा लिया है अलगीडार ने, बगदरी अलगीडार मुकाबले क्या बढ़िया तरीके से खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पर कोरबा के स्टार रेडर जब उनके सामने है इनको रोकना, बोनस तो देना पसंद कर रही है संभवतः, जहां पर इस समय वो जो कॉर्नर के खिलाड़ी 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं उन्होंने शायद बोनस वो भी मार रहे हैं कि बोनस रविंद्र यादव ने क्रॉस कर लिया है, अगर ऐसा है बोनस का अंक सुनिश्चित होता है तो 1 अंकों के लीड पर आ रही है गेम चेंजर बक्सा ही। गेम चेंजर बक्सा ही और सुपर टैकल का जो मौका था वो हाथ से चला गया है, एक बार फिर से दोनों टीम बराबरी के पे आके खड़ी हो गई है, 9-9 अंकों के साथ दोनों टीम बराबरी पर। रविंद्र कुमार ने इस बार बहुत बड़ी मछली को बाहर किया, एक ऐसा रेडर जिनके ऊपर निगाह है बगदरी अलगीडान लायंस को थी, उस रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन जब तक सतीश कुमार कोर्ट पर है अलगीडान का हिम्मत भी टूटेगा नहीं, 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल का भी मौका है, रविंद्र कुमार के ऊपर लगातार निगाहें बना के रखा हुआ है रेडर ने, 2 खिलाड़ी सामने खड़े हुए चैन लेकर के उसको भी छकाने की कोशिश, अंततः नाकामयाब हो गया। बोलो ना, एक तरफ जहां रविंद्र यादव 9-10 की स्थिति अभी तक बढ़त बनाए हुए रविंद्र यादव, अब चाहेंगे रविंद्र यादव गेम के अंदर आते ही हमारे कोरबा जिला की ओर से रविंद्र यादव चीन नंबर 10 ले हुए, अब वही देखिए रविंद्र कुमार यादव का भी हिम्मत साथ नहीं दे रहा है, टीम ऑल आउट के करीब है, एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्या सन्नू की जरूरत थी इसके समय, सतीश कुमार को अजमाना चाहिए था, लेकिन सतीश कुमार को अटैक पे न आने देना, सुपर टैकल का जो मौका था उसको दोनों हाथ से बुनाया और अंक का इस समय गेम चेंजर बक्सा ही का 12 हो गया है, 1 दर्जन पे पहुंच गया है। अरे बोलो ना यार, अब चले रविंद्र यादव इन्हीं बदौलत, यदि जो उनके जो बढ़त बना हुआ है
गेम चेंजर का, वो बढ़त कायम करना चाहेंगे, लेकिन बढ़त बनाए हुए है रवि यादव और जानते हैं समय उनके पास पर्याप्त है, पर्याप्त समय के पश्चात ही उन्होंने टाइम आउट खिलाड़ियों में है जिनके फुटकोवर एक विचित्र तरह के है और उस फुटकोवर के जाल में डिफेंस फंसता है और इस और सतीश कुमार ही है इस समय रेट पर। एक थोड़ी सी चुप को अब वो फिर से दोहराना नहीं चाहेंगे, अगर सतीश कुमार जब तक कोर्ट पर है बगरी अड़गीदार की लायंस की वो आशा जीवित थी, उस आशा पर पानी फेर दिया जिसके बात कर रहे हैं उनको जाल को फंसाया, जाल फंसाने के साथ ही अब जाल का डिफेंस यहाँ पर चले रविंद्र डिफेंस को पीछे खेलने की आवश्यकता है, डू और डाई के रेड में आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते, डिफेंस जितना धैर्य बांधेगा देवानंद का कैच पूरा होगा क्या जी नहीं होगा क्या, क्या ऑल आउट पे जाएंगे या फिर 3 अंकों का नुकसान होगा ये देखना है, डिसीजन अभी भी आना बाकी है, क्या गुलशन को भी टच हुआ है, अगर वो हुआ है तो ऑल आउट पे जाएंगी भाई। 4+2, 4+2, 6 अंक इकट्ठे इजाफा हो रहा है गेम चेंजर बटलाही के लिए, और गेम चेंजर जिस तरह से नाम छुपा हुआ है गेम चेंजर बटलाही के पास, वो गेम चेंज करने का जो इस समय मादा है वो कोर्ट के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है, इकट्ठे एक समय तीन खिलाड़ी थे अब देखिए हाउसफुल हो गया है गेम चेंजर बटलाही का। बहुत अच्छे बोले, सही बात है, एक समय तीन ही खिलाड़ी थे उस टाइम रविंद्र यादव ने ही आपस 20 से आकर निकले, 20 से आकर निकल के एक कैच पकड़े उससे जाकर पलटी बना, पलटी के बाद इनकी टीम अब 9-19 जहां तक 10 अंकों की बढ़त बना चुकी है। लेकिन बगदरी अलगीडा लायंस का समय जिस तरह से गुजर रहा है 5 मिनट से भी कम का खेल बचा हुआ है, वापसी करना होगा और वापसी करने के लिए सबसे पहले शिकार करना होगा रविंद्र कुमार का, चाहे वो रेड में उसको डिफेंस में करे या फिर ऑफेंस में करे, और अगर ऐसा वो कर जाते हैं तो दीपक कोर्ट से बाहर थे, यदि रिवाइवल उनको कर सकते थे दीपक फिर कोर्ट में फिर चले गए हैं, देखो अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं दीपक, और दीपक क्या जो अंकों को बढ़ाता है दीपक ओनर्स के साथ वापस हो गए, यही उनको जब कोर्ट से बाहर थे, यदि सतीश इनको कोर्ट से बाहर थे यदि बेंच से बाहर थे उनको वापस लेके आना था उस टाइम। देखिए यहाँ पर सारी लड़ाइयाँ बोनस की ही चल रही है, और बोनस को आप सभी जानते हैं किसान वर्ग से आते हैं कि बोनस का कितना फायदा होता है, और अब दोनों टीम बोनस पे निर्भर कर रही है, उधर बगदरी अड़गी लाल के रेडर भी लायंस के रेडर भी बोनस के लिए जा रहे हैं, दूसरी ओर गेम चेंजर बक्साही के रेडर भी लगातार बोनस का ही प्रयास कर रहे हैं, दोनों ओर से बोनस में सफलता हाथ लग रही है, और हालांकि वो भरपाई जो किया था एक अंक का उसको बोनस के सहारे एक बार फिर से उन्होंने बढ़त के रूप में ले लिया है गेम चेंजर बक्साही ने। दीपक कुमार राज दोनों थाई पे के कॉर्नर से कार्तिक यादव का कैच सफल हो गया, सारे डिफेंस का असिस्ट का सहयोग आया और उस कैच को पूरा किया मैं अपने मैदान के ऊपर पूरा करने के साथ 21-10 के मुकाबले अंकों को लीड अप 11 हो चला है, फेवर ऑफ गेम चेंजर बक्साही। और जहां रविंद्र गेम को धीमे कर चुके हैं, गेम को धीमा कर रहे हैं, धीमा करने के साथ ही जानते हो उनकी टीम कितनी बढ़त पर है, बढ़त के साथ ही साथ जो उनकी बढ़त है उसको धीमा करना चाह रहे हैं, धीमा के साथ ही अब जाना चाहेंगे डू ऑर्डर सर्विस पर, कुछ ही टाइम है और धीमा करना चाहेंगे क्योंकि वो जानकार व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति के साथ ही काफी मैच का अनुभव, और मैच का अनुभव लेते हुए यहाँ पास रविंद्र कुमार यादव भैया देखिए एक बात अलग है, बगदरी अलगीडार को ये भी सोचना होगा लीग के मुकाबले हैं, अगर हारती है टीम तो कम अंकों से हारे इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि काफी कुछ उस तालिके के ऊपर जब सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए सारे वो गणित बिठाए जाएंगे, सभी के अंकों की लेखा जोखा किया जाएगा, उस समय भी आपको इसका फायदा हो सकता है, इसलिए मैं हर एक टीम के खिलाड़ियों से यही कहता हूं कि अगर टीम हार रही है तो ये ध्यान में जरूर रखा जाए कि कम हारने का अंतराल बहुत कम अंकों से हो, इस समय तो डबल डिजिट पर है, दोहरे अंक पर है, इसको कम करना हो
होगा जिस तरह से समय कम बचा हुआ है और ये करने में क्या कामयाब अगर हो जाते हैं तो होरे हम साथ क्या दूसरी टीम समय सेमीफाइनल में जा रही है क्या उसके साथ इसकी हार हुई ये तमाम चीजों का लेखा जोखा उस समय किया जाता है ध्यान में रखा जाता है इसीलिए बगदरी अड़गिलाल लायंस के खिलाड़ियों को चाहिए कि जो फासला उसको कम करने की कोशिश हो ऑन द लाइन हो गए बोनस का एक प्रयास था ऑन द लाइन कहा है दूर छोर से रेडर के कानों को कतई नहीं भाता और इस समय सोम सिंह को इस समय उसमें अजमाया जा रहा है डुआ डाई पर गेंद चंजर बक्स आई पीठ दिखा दिया सामने से कॉर्नर के खिलाड़ी आ रहे थे ये तो देवानंद की आत्मघाती हमला था इस तरह से उसको फायदा कुछ होने वाला नहीं था बहुत मजबूत माना जाता है कार्तिक यादव का जब वो कॉर्नर पे होते हैं और साथी खिलाड़ी को कहते हैं कि कब ले पकड़ना है कब पीछे जाना है एक आवाज निकलती है मुंह से तो बगदरी अड़गिलाल लायंस की अब यहाँ एक ग्रिप कैच इसको कहते हैं परफेक्ट कैच अकेले रोका और रोकने के साथ एक अंक की भरपाई किया अब अंतिम सेकंड में है दीपक कुमार को कुछ ऐसा करना होगा या फिर अगर वो करने ना जाए तो इस अंकों की अंतराल को यही रख दे अगर बोनस का अंक लिया इस बार टच लिया कवर के ऊपर से योगेंद्र को बाहर का रास्ता दिखाया एक अंक की भरपाई लिया बगदरी अड़गिलाल लायंस के खिलाड़ियों ने रविंद कुमार समय कम बचा हुआ है जो तजुर्बा है यही कहता है वॉक लाइन को पार करेंगे और पूरा वो समय लेंगे भूपेन्द्र जहां तक अंतिम समय बहुत ही कुछ वक्त समय लेना चाहेंगे रविंद्र यादव समय के साथ ही साथ पूरा समय लेना चाहेंगे कुछ ही वक्त से लगभग काफी अंकों के बढ़त गेम चेंजर एक रेड आने की संभावना जो है वो इस रेड के साथ क्या समाप्त तो हो जाएगा दीपक कुमार या इस रेड को खाली करेंगे खाली नहीं कर जाए पकड़े ना जाए तो भी ज्यादा बेहतर है गेम चेंजर और अगर पकड़े जाते हैं तो एक अंक की और नुकसान होगा उनकी टीम को तो उससे बचना भी होगा लीग के मुकाबले में और चार पांच खिलाड़ी है बोनस साफ है तो बोनस के अंक उनके सामने है नहीं उन्होंने पूरा समय लिया और उसी के साथ ये मैच 23-12 के मुकाबले गेम चेंजर बक्साही के पक्ष में गया फाइनल कॉल अंतिम पुकार वीर शिवाजी बरहामुड़ा विरोध टर्निंग पॉइंट पाली इन दोनों टीम के लिए अंतिम पुकार है